कि जहां पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की दूसरी चरण की यात्रा व्यवस्थाओं को सरल सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है, ताकि धाम में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और लोग आसानी से श्री केदारनाथ के दर्शन कर सके। जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि पहले चरण की यात्रा सकुशल संपादित होने के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जो केदारनाथ की दूसरे चरण की यात्रा है उसके लिए भी पुलिस ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो भी अब बन रहा है और आने वाले टाइम में भी जो केदारनाथ है और यात्रा रूट पे गौरीकुंड है, जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली में भी फोर्स जो है वो लगातार मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ हमारे होमगार्ड एवं PRD के जवान भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी यात्रा का कुशल संचालन करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो जैसे हमारा मुख्यतः जो काम है कि वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आए उनके लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, तो वहाँ पे KDA उसको देख रहा है और कहाँ कहाँ पे उनकी व्यवस्था की जा रही है उसका तैयारी भी कर रहे हैं। साथ में रजिस्ट्रेशंस भी धीमे धीमे हमारे बढ़ने शुरू हो गए हैं। हेली सेवाएं भी हमारी बढ़ जाएंगी, अभी जैसे 2 ही हेली चली उसमें बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ में जो रास्ता है, जो पैदल रास्ता है, उसका भी मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं।